नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ जीके विद अमित में। हिमाचल प्रदेश में 10 दिसंबर से जो है शीतकालीन सत्र चला हुआ है। विधानसभा में डे बाई डे जो है अलग अलग मुद्दों के ऊपर उसमें चर्चा हो रही है। जैसा कि हम सभी को पता है, एजुकेशन फील्ड में 4000 पोस्ट टीचर कैडर की भरी जानी है, जिसमें 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें भरी जानी है और 2640 पोस्टें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में भरी जानी है। बहुत से कैंडिडेट हैं जो लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उस कैडर की भी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज कैडर के लिए। बहुत से कैंडिडेट हैं जो पूछते रहते हैं कि जो सहायक प्रवक्ता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ में जो लेक्चर स्कूलिंग की पोस्टें भरी जानी हैं लोकसभा आयोग से, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी। तो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जो फाइलें हैं आयोग को पहले शिक्षा विभाग से मिली थी, बट जो आयोग ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, उनके अकॉर्डिंगली जो फाइलें नहीं आई थी, तो वो फाइलें जो है फिर से शिक्षा विभाग में गई हैं। लगभग इस बात को जो है अभी हम बात करें तो 15 डेज हो चुके हैं जो फाइलें आयोग की तरफ से फिर से शिक्षा विभाग को गई थी। उसके आगे हम बात करें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो उसके आगे उनकी कोई भी अपडेट नहीं है। कल विधानसभा में जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर भरे जाने हैं उनकी 555 पोस्टों की बात हुई है, और ये भी कहा गया है कि लोकसभा आयोग से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ जो अधिवक्ता हैं ग्रेड टू के, उनके 50 पद भरे जाने हैं, साथ में जो सीनियर असिस्टेंट हैं उनके 150 पद जो हैं इसमें आगे भरे जाने हैं इसके साथ ही साथ। और कहां कहां जो ये सीटें खाली हैं उनके बारे में भी बताया गया है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके बारे में भी बताया है अलग अलग प्लेस में। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्टें भरी जानी हैं लेक्चर स्कूलों की और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो दिसंबर के अंत तक और नेक्स्ट मंथ के शुरुआत तक जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। क्योंकि हम लोकसभा आयोग की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी जो बड़ा रिक्रूटमेंट है वो नहीं भरा जा रहा है अभी तक, तो हो सकता है कि इनकी जो अपडेट है आपको जल्दी ही देखने को मिले। और हम एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो पोस्टें भरी जाती हैं, तो जैसे हमें पता है कि 554 पोस्टों का जो रोस्टर है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उसकी जो लास्ट डेट फिलअप की है वो 5 जनवरी को है, जिसमें हम बात करें तो 31 नए पोस्ट कोड ऐड हुए हैं जिनके माध्यम से जो न्यू रिक्रूटमेंट भरी जानी है। तो उसके बाद जो है जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्टें भरी जानी है बाई कमीशन, उनकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने के चांस वहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट बात हम जो मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती हो रही है उसके ऊपर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें 8000 पद भरे जाने हैं, जिसमें 4000 पद जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री की अनुशंसा से भरे जाने हैं। उसकी जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, उसमें जो लगभग 770 पद जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के भरे हैं, बाकी पद जो इसमें वैकेंट अभी तक रहे हैं। हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक वहाँ से जो है कोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा है। और हम इन कंडीशंस की बात करें जो 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा से भरे जाने हैं, तो उन्हें बहुत सी कंडीशंस वहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें कर्णमूलक दारक भी हैं, हैंडीकैप हैं और जो विडोज़ हैं वो सभी जो उसमें शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम अदर जो 4000 पोस्टें भरे जानी हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से, उनके आवेदन जो अभी तक नहीं मांगे गए हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेचारों को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।